फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप लोगों को रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं हूँ अपने पापा के घर पे, उन्होंने मुझे इफ्तारी पर इनवाइट किया है कि हमारे साथ रोज़ा खोलना। तो अल्लाह पाक आप सबके रिस्क रोज़ी में बरकत दे, और हमारी भी और हमारे पापा और भाई की रोज़ी में भी बरकत दे। आमीन आमीन। और चलिए तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अपने अब्बू के घर पर। तैयारी हो रही है इफ्तारी की और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकोड़े। तो जल्दी जल्दी से हम इसे मिक्स कर रहे हैं। रेसिपी में पकोड़ा मिक्स की आपको दे चुकी हूँ, तो बस इसके अंदर मैंने हरी मिर्च काट के डाली हैं और अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और बेसन घोल के मैं रख दूँगी साइड पर और दूसरी तरफ मैं पकने रख देती हूँ छोले। ये गोभी और इसी में ही मैं ऐड कर दूंगी प्याज। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं पकोड़े। पालक अभी इस वक्त है नहीं मेरे पास, लेकिन अगर पालक हो तो आप वो भी ऐड कर दें इसके अंदर। ये देखें, और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। सब चीज़ें मिक्स करके और ये रेडी करके रख दी है। और दूसरी साइड पर मैंने छोले उबलने रख दिए हैं। यहाँ पर छोले उबलने रखे हैं और छोलों में मैंने नमक डालकर और खाने का सोडा डालकर और पकने के लिए रख दिया है। उससे यह है कि बहुत अच्छी तरीके से छोले भी गल जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं और जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। चलिए तो अब हम कोई और काम करते हैं। छोलों के लिए ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और खीरा, ये चीज़ें मैंने काट के रख ली हैं। जो काम जल्दी जल्दी निपटे, आप लोग भी जल्दी जल्दी से निपटाइए। और हाँ, यहाँ तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देने ही भूल गई। तो पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और से फ्रूट्स भी काट लिए हैं, और आप लोग बताएं आप लोगों के घर में किस तरह की फ्रूट चाट पसंद की जाती है, जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके। तो अब मैं बनाऊँगी शरबत। तो चलिए, शरबत के लिए अब हम चीनी घोलते हैं। से काट लिया है तरबूज और अब हम बनाएंगे शरबत। तो अब हम चीनी घोलते हैं। शरबत हम पहले से बना के फ्रिज में रख देते हैं ताकि इफ्तारी के टाइम पे ज़रा ठंडा अच्छा लगता है, वरना हाथ के हाथ आइस क्यूब्स वगैरह भी हम उसमें ऐड कर लेते हैं। चलिए, शरबत में आज हम बनाएंगे रोबज़ा। शरबत बनाने जा रही हूँ रोबज़ा का, और हमारे घर में सबको ये बहुत पसंद है, सब बहुत शौक से पीते हैं। तो एक जग के अंदर मैंने थोड़ा पानी लिया, उसके अंदर मैंने ये चीनी ऐड की है। और अब जब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी तो इसके अंदर मैं तुक मलंगा ऐड करके और साइड में रख दूँगी। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं पकोड़े तलने की। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रख दिया है और साइड में यहाँ मेरे छोले अभी बॉईल हो रहे हैं, तो बस थोड़ी सी कसर रह गई है, तो फिर हम छोलों की चाट भी रेडी कर लेंगे और यहाँ पर पकौड़े तलने स्टार्ट करते हैं। ये तो बिस्मिल्लाह कर दिए हमने, पकौड़े तलने स्टार्ट कर दिए हैं। और सबसे पहले मैं आलू के पकोड़े तलूंगी। और आज मैं रोज़ा खोलने अपने पापा के घर पर आई हूँ। उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे बुलाया था और कहा था कि बेटा आज का रोज़ा हमारे साथ खोलना। तो पहला रोज़ा हम अपने पापा के घर पे खोलेंगे। और अल्लाह पाक भाई सबके माँ बाप को सलामत रखे। अल्लाह मेरे पापा को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी में बरकत दे, उनके रिस्क रोज़ी में बरकत दे। आमीन आमीन। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से बस ये तल रहे हैं। चलिए तो अब हम ये तल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तब हम रोज़ा खोल रहे हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।